मरे ही क्यों आई ही ने हम कर देखन कर देखन हैं तो हो ना है वगैरह कमनो ये है कि नहीं गाँव तो मु आ खाली कर दो अने यो खतर अन मिक्स कर दो फटाफट ए बाले मत डोला मत कटे साल कौन बे बह रहे हूँ काम नहीं कर हूँ काम करी है बे बह रहे ना आराम बेहो पड़े ले तो तू बोरी खो ना तो को नहीं वार देखी बीड़ी दी दो होंगे बीड़ी फटाफट होंगे अबली तू तेरी कन सानो हो रहे तो है ला आदो बाग खाली करो आदो बाग नाले मिक्स खाता रहेगा हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष और आपको हमारे नए व्लॉग वीडियो में स्वागत करता हूं। तो गाइज आज हम करने वाले खेत में बुआई मतलब गेहूं की बुआई करेंगे। तो गाइज मैं लाया हूं गेहूं, ये गेहूं जो मैं ले आया हूं मतलब हमारे पुराने घर से लाया हूं उनसे, मतलब पहले जो गेहूं मेरे थे वो गेहूं ऐसे थे कि जिनकी रोटी हम बना रहे थे रोटी, लेकिन वो रोटी सेकने के थोड़ी देर बाद मतलब बन जाती थी रबर की तरह बन जाती थी, खाने में भी अच्छी नहीं लगती और रोटी फूलती नहीं थी। तो इसलिए मैं लाया हूँ ये गेहूँ खरीद के लाया हूँ और अब की बार दूसरे अलग गेहूँ की बुआई करेंगे ताकि अच्छा रोटी भी खाने में रहे। तो इसलिए अलग में खरीद के लाया हूँ और अभी इसको लाया हूँ मैं नहीं 50 किलो है ना 50 किलो। तो गाइस ये है 50 किलो गेहूँ है और ये लाया हूँ मैं खाद लाया हूँ, ये है मतलब 1250 की बोरी आई है तो आधी मैंने इसको डाल दी है और एक दूसरी जगह पे फिर बुआई करनी है तो उसमें आधी यूज़ करेंगे। तो इतना अभी हम इसको तैयार कर लेते हैं गेहूं को और अभी ट्रैक्टर आ चुका है तो ट्रैक्टर से इसकी बुआई कर देंगे। अभी इसमें हमने खाद वाद सब मिक्स कर दिया है और अभी इनको थैलियों में भर के अभी खेत पर इसको पहुँचा देंगे तो वहीं जाके वहीं बुआई कर देंगे। ये काली फटाफट भर ना ले बिजी ठीले भर दो ट्रैक्टर आई क्यों ताली नहीं थी हमने अबू ते अबू तू छन नहीं रहे माथे ऐसी हड़ी ली क्या उंगली थी है फोड़ा में हाथ मत गले ते कौन आवे रे और वास्ते कौन आवे नहीं करी तो नानो है तरह मिस करतो है कि देव खातो है निटोड़ा तो मालूम है हे हे हो हो दांत काटे अगर हम नो का है हम तो मरे ही क्यों आई ही ने हम कह देखन तो हो ना है अगर कम नो हैं कह दे दो ये था लगी जाए मैं अभी जा रहा हूँ एक दूसरे के खेत में, ट्रैक्टर आया है वहाँ गेहूँ की बुआई कर रहा है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। मार्केट से गया था मैं इसे बुला के लाया हूँ लेकिन वो अभी वहाँ पे बुरा कैसे बुआई हो रही क्या नहीं किया देखते हैं जाके। तो अभी मैं बड़ी वाली पाइप के साथ खेत में जा रहा हूँ और खेत पे बच्चे खेल रहे थे पैसे तो उनको मैं डरा रहा हूँ। दड़ा वीडियो बनेगा दड़ा तुम्हारा बांधन क्यों ना तुम रुपया रमा और रुपया तुम गोटी खाओ लेना रुपया रमा क्यों ना देख ले ये रुपया ये है तो ये
खास यार मोली मोटी थी रूमवा आवे तो धड़ 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 देन पूरे आम बैठा हुई पूरे रुपया टीसी नखने फेरी माता दुकाने वाली ने आवे टीसी लाई ये वा हमला तो टीसी रुपया टीसी टीसी रे ये लाते लाते फिर रुपया लात होई री दे ठगा हम थो। तो अभी हम आ चुके यहाँ पे खेत पे और अपन को बुआई करनी है यहाँ की, इस खेत की करनी है, यहाँ से वो तक खेत है यहाँ की इस खेत की करनी है और उसके बाद वो ऊपर वाला खेत है ना वहाँ की भी करनी है, दो खेत की बुआई करनी है अभी। तो अभी हमें अभी इतने गेहूँ लेके यहाँ पे आया था, इतने यहाँ पे रख दिए और मेरे वाइफ से जो भी आप थोड़ा कचरा कूटा है जो बिन रखे एक बार हमने सारा बिन लिया था लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा निकल गया अभी ये। जब तक साफ करते तब तक मैं घर जाता हूँ और ट्रैक्टर को ले आता हूँ और बच्चे वहाँ पे अकेले उनको देख के आता हूँ क्या कर रहे हैं। बिस्कुट खीरा ना खेदा तूने खेरी क्या होगा ना खाई सुने तो क्या मैं खेरी ऐसे तो क्या मैं खेरी मोटू फाड़ हूँ मैं मोटा हूँ गोटी खाई मिली बस बिस्कुट कहाँ थे खाया है कि नहीं सोईटी है तो सांसा नहीं गोटी खाती नहीं खाती है सांसा नहीं खाती के सोर 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 पेंसिल मत गाले मोटा आई पर अब अविनाश को बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो चुकी है तो मैं दो दिन से थोड़ा काम बिजी था ध्यान नहीं दे आया तो आज इसको ये खेत का काम जो गेहूं की बुआई का काम हो जाए फिर इसके बाद इसको दवाई कराने ले जाना है अगर इसकी ज़्यादा तबीयत खराब हो सकती है अभी तो खेल रहा है। अब ठीक है मैं अबू बिस्कुट खा अबू बिस्कुट खाई खाई हैं खा ले बिस्कुट खाई ले नहीं खाए हैं बोलता हूँ ना आ ही नहीं रहा ना अबू बिस्कुट खाई ले। तो टिटकर यहाँ पे आज सूखा है और अभी हम ये गेहूँ लेके यहाँ पे यहीं से डाल देते हैं, आधे गेहूँ में रख के आगे और आधे यहीं से डाल देते हैं तो डायरेक्ट खेत पे चला जाएगा। तो अभी हम खेत पे आ चुके हैं और ये पाली बनाने के पत्रे को खोल लेते हैं क्योंकि मुझे पाली नहीं बनानी है। तो यार इस घाटी पे और ट्रैक्टर वाला बोल रहा है कि नहीं बुआई होगी इसलिए वो वहाँ से नीचे भाग के आ गया है अभी। तो अब नीचे वाले खेत में बुआई करेंगे क्योंकि ऊपर वाले खेत को आधा ही बुआई की और छोड़ दिया उसने। तो यहाँ पे हुआ ऐसा कि ये जो इस खेत का जो ढलान है इस ढलान में ट्रैक्टर नहीं चला जिसकी वजह से आधा खेत की बुआई हुई और आधा छोड़ दिया गया और आधा इस खेत की जो बुआई है पूरी हो चुकी है। इधर की जो है ना इधर बाकी अभी हल और बैल से काम करना पड़ेगा, इधर की जो बुआई है जितनी बाकी हो करनी पड़ेगी। अब ये गेहूँ बस के इसको ले जाके अभी पुराने घर पे ले जाके रख देते हैं। इधर मेरी वाइफ एक लेके जा रही है एक बोरी और मैं इसको लेके जाता हूँ अभी। गाइस ज़िंदगी में इतना काम है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। देखो अभी जो गेहूँ का जो बोवनी करनी थी वो ट्रैक्टर से करवाने के लिए अपन यहाँ पे ट्रैक्टर लाए थे लेकिन ट्रैक्टर पूरी जो बोवनी नहीं कर पाया, एक खेत की इधर वाले खेत की और इधर वाले खेत की नहीं की। तो मेरा पिताजी वो अभी इधर गेहूँ की बोवनी जो करेगा। और बात रही बाकी अभी मुझे क्या करना, मुझे करना था यहाँ पे पानी पिलाने के लिए, यहाँ पे पाइप जोड़ना था और सारा बहुत सारा काम था यहाँ पानी ले जाने के लिए। पर अभी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग वाला एक पार्टी आ रही है तो मुझे जाना पड़ेगा घर पे और घर से मुझे 12-13 किलोमीटर मेरा म्यूजिक पड़ा है एक बंदे के पास, वहाँ जाना पड़ेगा, उसके बाद म्यूजिक लेके आना पड़ेगा और फिर उन भाइयों का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग पता नहीं उनका कितना टाइम लगता है, अगर अच्छी तरह से रिकॉर्डिंग जल्दी कर दिया तो 2-3 घंटे में हो जाएगा, अगर नहीं किया तो फिर मैं लेट हो जाऊँगा। और इसके बाद इधर ये खेत का काम करना ही करना, पानी ये पिलाना पड़ेगा नहीं तो ये गेहूँ को अगर पानी नहीं पिलाया गया तो आप देख सकते हो कि ये अगर इनको ये गेहूँ ऊपर पड़े हैं पूरे तो अगर पानी नहीं पिलाया उनको तो मतलब मुर्गा मुर्गी होती ना वो खा जाएंगे, यूँ तो रहने वाले नहीं हैं यूँ, वो थोड़े बहुत जो अंदर ज़मीन के अंदर है वो थोड़े मतलब उगेंगे और उसके बाद मर जाएंगे यूँ, तो उनको पानी पिलाना ज़रूरी है। तो मैं म्यूजिक लेके अभी जा रहा हूँ घर पे और मैंने सारा वीडियो क्यों नहीं बनाया क्योंकि दाऊद मेरे से नाराज़ हो चुका, दाऊद चला रहा था बाइक तो मैंने बोला थोड़ी धीरे चलाओ तो वो उसको बुरा लगा क्योंकि मैं अभी दिवाली का टाइम है तो गाड़ी धीरे ही चलानी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत डर है। और आपको सभी को पता है कि अभी दिवाली में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं तो कोई भी लोग आते तो गाड़ी धीरे चलाऊँ दाऊद को बोला तो वो बार बार बोलने से वो मेरे से नाराज़ हो गया क्योंकि मुझे नहीं आती, वो फलाना देखना कर रहा था। तो गाइस मैंने जो भी बोला क्योंकि फ़ायदे के लिए ही बोला क्योंकि गाड़ी हमेशा धीरे चलाना चाहिए, अभी दिवाली का टाइम एक तो कितने लोग मर रहे हैं और अपने पास अगर कुछ हुआ तो अपने पास इतने पैसे नहीं कि अपन सामने वालों के दे दें, अपन बहुत छोटे लोग हैं अभी यूँ। आजकल लोगों को कोई अच्छी बात बोलो वो भी बुरी लगती है, ये ज़माना ही ऐसा है। तो फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले आ गए हैं तो सॉन्ग इनका रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अभी और म्यूजिक भरने वाला भर रहा है।